हेलो दोस्तों, ये प्रदर्शनी लगी हुई है पीएमबी पॉलिटेक्निक मथुरा में और इसमें राजकीय पॉलिटेक्निक कोटबन के छात्रों ने भी भाग लिया। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं सिविल इंजीनियरिंग के छात्रों ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो वो दिखाते हैं। जैसे इन्होंने डैम बनाया है और कितने अच्छी तरीके से ये ओवरब्रिज का प्रोजेक्ट बनाया है फाइनल ईयर के छात्रों ने। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है और बहुत बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। क्या है कि कोई टेक्निकल मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं। तो अभी ये हैं राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र हैं कोटबन के। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं बहुत सारे कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया इसमें। जैसा कि बारी बारी आप देख सकते हैं, ये रवि भाई हैं, ये प्रियल हैं और ये मनीष हैं। तो ये देख रहे हो आप, इन्होंने रेलवे ब्रिज का जो प्रोजेक्ट बनाया है, जैसा कि आप देख रहे हो नीचे से ट्रेन निकल रही है और ऊपर से क्रॉस करना है, तो उसके लिए एक डिज़ाइन तैयार किया हुआ है। आप वो को भी देख सकते हैं, ये ट्रेन चला के भी दिखा रहे हैं इसमें। तो ऐसे चलेगी ट्रेन और आप ऊपर से रोड को पार कर सकते हैं, जिससे इस ये सब होने से दुर्घटनाएं कम होगी। ये एक बहुत अच्छी पहल है जो छात्रों ने, फाइनल ईयर के छात्रों ने, राजकीय पॉलिटेक्निक कोटवन के छात्रों ने किया है। और इसमें लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है कि अगर आप रोड क्रॉस करने में नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं हैं, तब आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं। और बाकायदा लिफ्ट भी लगाया हुआ है इसमें, तो आप इसको रियल देखो, आप ट्रेन भी इसमें चल रही है। तो हम आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखाएंगे जो छात्रों ने अपनी बहुत ही कुशलतापूर्वक मेहनत करके बनाए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो ट्रेन चल रही है इसमें। और भी ये हैं हमारे कॉलेज के कृष्णानंद यादव जी, ठीक है, और ये इसे भी इन्होंने भी भाग लिया है इस प्रोग्राम में। बहुत सारे छात्रों ने भाग लिया है। अब हम आपको एक प्रोजेक्ट और दिखाते हैं। ये प्रोजेक्ट है, ये भी रेलवे ब्रिज का ही है और ये प्रोजेक्ट कृष्णानंद यादव ने बनाया है और राजकीय पॉलिटेक्निक कोटवन के ये छात्र हैं नियमित रूप से फाइनल ईयर के। अभी आपको दिखाएंगे नीचे से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कैसा है और ये बाकायदा आपको प्रैक्टिकली इसमें ट्रेन चला के दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से या पीएमबी पॉलिटेक्निक से, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर किसी भी ईयर के छात्र हैं, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास भेजें। या आप एडमिशन लेने वाले हैं तब के लिए आप देख सकते हैं कि ऐसा होता है पॉलिटेक्निक कॉलेजों में। जो प्रोग्राम हम आपको दिखा रहे हैं इसमें प्राइवेट कॉलेज के छात्रों ने भी भाग लिया है, इसमें प्राइवेट कॉलेज के भी छात्र हैं। अगर आपने सोचा है पॉलिटेक्निक करने का, तब आप ये देख सकते हैं। आप भी कुछ टाइम बाद ऐसा ही करोगे। और ये प्रदर्शनी इन्होंने बाकायदा एक अच्छी तरीके से डिज़ाइन की हुई है, इस तरीके से आप इसमें अंदर जा सकते हैं और उस साइड से क्रॉस करके बाहर आ सकते हैं, ताकि बीच में पटरियां पार करके आपको ना निकलना पड़े। और इसके बाद एक प्रोजेक्ट आपके सामने, और ये है सर्किल वाला जो जाम लग जाता है कभी कभी बड़ी बड़ी सिटियों में। तो ये ओवरब्रिज में बनाया हुआ है कि आप ओवरब्रिज से निकल सकते हैं। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। और इसके बाद आप देखो दोस्तों, बहुत सारे भारी संख्या में छात्रों ने भाग लिया इसमें। आप जैसा कि भीड़ देख ही पा रहे हैं और यहाँ पे टेक्निकल मिनिस्टर आए हुए हैं नितिन प्रसाद जी। और इसके बाद एक ये प्रोजेक्ट और आपके सामने, ओवरब्रिज का है ये, और नीचे से बहुत सारा राउंड में सर्किल में चार रास्ता निकली हुई हैं और ऊपर से भी बाहर निकल सकते हैं, इस तरीके का डिज़ाइन किया हुआ है। और ये 3D मॉडलिंग में आपको दिखाई दे रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में बहुत सारे कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये दोस्तों जो टेक्निकल मिनिस्टर हैं वो जितिन प्रसाद जी हैं, हालांकि मैंने उसमें नाम कुछ और ले दिया था, जितिन प्रकाश जी हैं टेक्निकल मिनिस्टर।